हेलो, वेलकम टू धानी किचन। मैं हूँ निखत और आज हम बनाने जा रहे हैं ये क्रिस्पी सा मटरी, जिसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ कभी भी इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ही खस्ता बनेगा। आप इसे मैं दिखा देती हूँ, देखिए अब देख रही कितना आसानी से ये पूरा चूर चूर हो गया। तो चलिए इसे हम आज बनाते हैं मेरे सिंपल से तरीके से। मठे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा और इस मैदे को हम लोग छान लेंगे ताकि इसमें कोई इम्प्योरिटी या लम्स रहे वो हट जाए। इसे छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार मैदे में लम्स रहते हैं तो हमारी मठरी उससे ख़राब होती है। तो इसे हम लोग छान लेंगे और इसमें अब डालेंगे, देखिए इसमें मैं घी ले रही हूँ 1 टेबल स्पून है, अजवाइन है 1 टी स्पून, जीरा 1 टी स्पून और काली मिर्च है 1 टी स्पून दरदरा कूटा हुआ। चलिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ मैदे में नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालेंगे। और अजवाइन को हाथ में रख के थोड़ा सा हम लोग रब कर लेंगे, रगड़ लेंगे, जिससे अजवाइन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है। और देखिए जो जीरा मैं ली हूँ 1 टीस्पून, आप चाहे तो जीरा को भी हल्का कूट सकते हैं, पर मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ। और काली मिर्च को मैंने थोड़ा मोटा ही कूटा है, इसे ज़्यादा महीन नहीं करना है। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब डाल रही हूँ घी, 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हर 1 कप मैदा के लिए 4 टेबल स्पून हमें घी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप घी के जगह पे ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी से इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है। बाकी के बचे हुए भी घी इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे हमारा मठरी जो है वो काफ़ी खस्ता बनेगा, काफ़ी क्रिस्पी रहेगा और खाने में टेस्ट भी अच्छा रहेगा। तो देखिए मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए हैं और इसे जब हम मुट्ठी बांधेंगे तो देखिए एक बॉल के शेप में बन जाएगा हमारा डो का। चलिए ये हमारा रेडी हो गया है, मोयन परफेक्ट है हमारा। हर 1 कप मैदा के लिए 4 टेबल स्पून घी, ये याद रखिएगा। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक बार भी पानी ना डालें क्योंकि इससे फिर हमारा डो जो है वो गीला हो सकता है। तो हमें एक सख्त डो बनाना है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, पर हाँ एक सख्त नॉर्मल जो रोटी बेलते हैं उससे सख्त होगा हमारा डो। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं आप देख रहे हो कि मैं कितना थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ उसमें। इसी तरह थोड़ा करके पानी डालें। देखिए 1/2 कप पानी में हमारा डो जो है वो रेडी हो गया है। इसे अच्छे से नीट कर ले, बहुत ज़्यादा नीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं गूंधेंगे हम इसे, क्योंकि मट्ठी का जो शेप होता है वो एक रफ़ शेप होता है, परफेक्ट रोटी या फिर पूड़ी के जैसा नहीं होता है या पापड़ी के जैसा। तो देखिए ये रेडी हो गया है हमारा डो बनकर और इसे अब 1/2 घंटे के लिए हम रेस्ट करेंगे। किसी भी चीज़ से इसे ढक दें और रेस्ट करने देंगे 1/2 घंटा के लिए। तो हो गया है, देखिए जब डो को हम दबा के देखेंगे, देखिए पहले से थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है तो हमारा डो जो है परफेक्ट है। अब छोटे छोटे इसकी लोई बना लेंगे हम, आप अपने पसंद के साइज़ का बॉल्स बना सकते हैं। इस तरह से हाथ में राउंड राउंड कर ले, इसे बेलने की ज़रूरत नहीं, बस जस्ट हाथ में ऐसे रख के इसे दबा दे। हमारा मठरी जो है वो इसी तरह से बनते हैं। आप चाहे तो बेल भी ले, पर बेलने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से मठरी आसानी से बन जाते हैं। देखिए हाथ में राउंड से घुमाए, इसे दबा दे, बस ये हो गया। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा इसको करने में, साइड से भी दबा देंगे तो सारी मठरी को हम लोग इसी तरह से रेडी करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मठरी के सारे रेडी कर लिए हैं। अब एक फूक की मदद से इसे हम प्रिक कर लेंगे, छेद बना लेंगे। इसे दोनों साइड से करना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह से अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो मठरी है वो फूल जाएगा और अंदर जब हम इसे फ्राई करेंगे ऑयल में तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और खाने में इसका टेस्ट भी ख़राब होगा। तो इसे दोनों साइड से प्रिक करना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से इसे प्रिक कर लेंगे हम,
तो सारे देखिए मटरी मेरी रेडी हो गई है। मैंने सारे को फोर्क की मदद से इसे प्रीक कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी परफेक्टली रेडी हो गया है। और मैंने ऑयल को भी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा रखा है और वो गर्म हो चुका होगा। तो चलिए उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। देखिए यह आसानी से ऊपर आ गया है, मैं से गर्म हो गया है। अब फ्लेम को मैंने एकदम लो में रखा है, एकदम सिम कर दिया है। और एक एक मिठरी को हम लोग इस पर डालेंगे। हमारी जो मिठरी है वो एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई होगी। और इसे अभी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम इसे नहीं पलटेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तुरंत पलट देने पे हमारी मिठरी टूट सकती है। तो इसलिए अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये तेल में ऊपर आ जाएगी खुद ब खुद, तो फिर हम इसे पलट देंगे। तो देखिए हमारी जो मिठरी है ऊपर आ गई है तेल में, तो अब इसे हम पलट देते हैं। धीरे धीरे करके इसे पलट दें, ध्यान रखें कि ये टूटे नहीं। अब फ्लेम जो है मैंने अभी भी स्लो में ही रखा है। जब ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, थोड़ा इस अपना कलर चेंज कर लेगा, तब हम लोग फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। बट अभी हम लोग फ्लेम को एकदम स्लो ही रखेंगे, ताकि हमारी मिठरी जो है वो अंदर तक अच्छे से पके, क्योंकि हमारी मिठरी जो है वो थोड़ी मोटी है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए हमारी जो मिठरी है वो अब गोल्डन होने लगी है, मैं दिखा दी हूँ। अब फ्लेम को हम लोग मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर से अब पक चुकी है हमारी मिठरी। तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद 5 मिनट लगेंगे मीडियम हीट में, और ये रेडी हो जाती है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये परफेक्टली रेडी हो गई है, ये खाने में बहुत टेस्टी होगी। तो देखिए अब इसे मैं निकाल ले रही हूँ। हमारी मिठरी जो है वो रेडी हो गई है, और इसे मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कितनी खस्ता है ये। तो देखिए हमारी मिठरी अब ठंडी हो चुकी है, और मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। देखिए तुरंत पूरा चूर चूर हो गई है। ये खाने में इतना टेस्टी है कि मैं क्या बताऊँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एक बार, और मुझे कमेंट करके बताएँ कि आपको कैसा लगा। आप जब इसे एक बार बना लेंगे तो आप बार बार बनाएंगे, और मेरी रेसिपी की जो टिप्स है उसे ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपकी मिठरी जो है वो परफेक्ट बन के आए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी मिठरी की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।